faculty members aur koi meri ki hone har tulba assalam alaikum itni achhi presentation ke baad ek aur presentation dena to bahut mushkil hai to isliye maine kaha main kyun na presentation skip karke main sirf lecture dunga to aap log thodi si good news aapke liye hai ki lecture zara thoda hota hai to hum jaldi farigh ho jayenge theek hai और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है तो घबराना नहीं है इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। अच्छा मैं पहली दफ़ा अपनी हमारी कॉलेज आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी बिल्डिंग को देख के आपके हेरिटेज को देख के ट्रेडिशंस को देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब 100 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और आपकी हिस्ट्री प्रिजर्व है यहाँ पे और सेकंडली मैं आई वाज लुकिंग एट द पोस्टर दैट यू हैव मेड एक्सेलेंट माशाल्लाह बच्चों का बहुत ज़बरदस्त काम है और ये बहुत अच्छी स्टेप है कि आप अवेयरनेस बच्चों टीचर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं कि बच्चे इस किस्म के चार्ट्स बनाए और जिससे अवेयरनेस मिलती है तो मेरे ख्याल से अगेन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ कर दीजिए। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ एक ऐसा लगता ब्रेक हो गई है टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इकबाल के एक शेर पढ़ूंगा और फिर टॉपिक के ऊपर आऊंगा। खोला जमीन देख फलक देख फजा देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम लोग एनवायरमेंट को जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो ये शेर हमारे से बहुत क्लोज है कि हम फजा को देखते हैं फलक को देखते हैं और खुदा की जितनी भी तकलीफ है उस पर गौर करते हैं। तो आज जो मुझे बेसिकली जो मेरा मकसद था यहाँ पे आके शेयर करने का आपका आपके साथ चीज़ वो है फ़ज़ाई आलूदगी पे बात करूँगा मैं किस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी और किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। सो टॉपिक विल बी फोकस ऑन एयर पोल्यूशन और मैं अगेन जिस तरह डॉक्टर साहब ने वो एक रवायत कायम कर दी है कि अपनी मादरी जबान पर बात करूँगा ताकि समझ भी आ सके और आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें इन चीज़ों को। एयर पोल्यूशन पर बात करूंगा आप लोगों को कुछ चीज़ें तो इल्म होंगी तो अगेन टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं कहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं सादा जुबान में समझा सकूँ। पोल्यूशन किसी भी चीज़ को जब आप डैमेज करते हैं ख़राब करते हैं तो वो पोल्यूशन में आती है और पोल्यूशन की बहुत सी टाइप्स हैं एयर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन है नॉइज़ पोल्यूशन है ये तो आपने पढ़ी है। दो पोल्यूशन नई आ गई हैं मैंने कहा मैं आपको वो भी बता दूँ आपको इल्म होना चाहिए। एक विजुअल पोल्यूशन है विजुअल पोल्यूशन से मुराद होती है कि आपकी जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो ख़राब हो जाए जैसे कि लाहौर में एक ज़माने में बिल बोर्ड लग गए थे बहुत बड़े बड़े जैसे कि कराची में आप जाएँ तो बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं तो वो आपका जो एक विजुअल जो एक आप सीन देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी है उसे ख़राब करता है तो वो विजुअल ब्यूटी है। ये बिल्कुल नई चीज़ है ये आज से 10 साल 20 साल पहले ऐसे कुछ भी नहीं होता था। और दूसरी एक चीज़ है लाइट पोल्यूशन ये दो महीने का मैं आपको बता दूँ लाइट पोल्यूशन से मुराद है एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाइट्स वो भी आप देख रहे हैं कि आजकल सर्च लाइट्स का जो कंसेप्ट आया हुआ है रेस्टोरेंट्स लगाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लाइटिंग रोड्स पे आप चले जाएं तो बड़े बड़े एलईडीज लग गए हैं तो ड्राइविंग करते हुए आपकी डिस्ट्रॉक्शन होती है आपकी आंखों चुभते भी हैं तो ये लाइट पोल्यूशन है। दीज आर टू न्यू सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन दैट हैव जस्ट रिसेंटली कम अप इन 10-20 ईयर्स। बहरहाल मेरा फोकस एयर पोल्यूशन पर होगा तो आई एम कमिंग बैक टू दैट। सो पोल्यूशन मैंने जिक्र कर दिया कि किसी चीज़ को डिट्यूरेट करना ख़राब करना उसको अपनी ओरिजिनल हालत से चेंज करना पोल्यूशन है। और एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होती हैं कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं और सेकेंडरी उसके बाद में ठीक है ना। और प्राइमरी में दो तीन चीज़ें अगेन मैं आपको जिक्र कर दूँ कि एक तो हम जितने फैक्ट्रीज हैं कारें हैं और शुक्र की बात यह है कि मैं गर्ल्स के कॉलेज में हूँ तो आप लोग माशाल्लाह किसी पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन की सोर्स है प्राइमरी उससे बचे हुए हैं उसमें लड़के बहुत ज़्यादा इंगेज हैं और वो है चलती फिरती सोर्स ऑफ पोल्यूशन विच इज़ स्मोकिंग। तो अच्छी बात है कि लड़कियाँ स्मोकिंग नहीं करती दैट इज़ अ वेरी बिग सोर्स एंड इट्स अ मोबाइल सोर्स। ये जो स्मोकिंग है आपको आइडिया नहीं कितनी बड़ी सोर्स है और हम इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं इसमें इंडल्ज हैं ठीक है। इसके बाद कुछ हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो कि इन पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस के तौर पे बनती हैं और जिसमें ओजोन है स्मोक पे थोड़ी मैं बात करूंगा रिसेंटली स्मोक एपिडेमिक आया किस तरह उसने हमें इफेक्ट किया और कुछ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं जो कि मेन पोल्यूटेंट्स जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन पे पोल्यूटेंट्स हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है लेड है और अगेन एक बहुत बड़ी सोर्स है पीएम। किसी को पता है पीएम के बारे में एनीवन? ये खान साहब की बात मैं नहीं कर रहा। पीएम से मुराद है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होता है कोई भी लिक्विड या गैशियस फॉर्म के पार्टिकल्स जो कि बहुत स्मॉल साइज में हो। ये इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो कि प्रॉब्लम करती है आपके लिए और आप इनहेल कर सकते हैं।
सो ये तो होगी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी बात. दूसरा मेरा फोकस होगा डेफिनेशन मैंने कहा था जिक्र करूंगा मैं प्रॉब्लम्स पे, और थर्ड पे आऊंगा सॉल्यूशन की तरफ. इस वक्त बच्चों अगर आप लोग गौर करो, अगर आपने देखा हो थोड़ा सा कि एयर पोल्यूशन, एक तो स्मोक बहुत बड़ा एपिडेमिक है जो हमारे पास. स्मोक इज अ फिफ्थ सीजन विच इज नॉन एसिड सीजन पाकिस्तान, रेगुलर आता है रेगुलर बेसिस पे. अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो हमें याद है कि बचपन में घर में बुजुर्ग अगर होते थे ना तो बुजुर्ग इनहेलर यूज करते थे. मुझे नहीं पता आप में से कितनी बच्चियां यूज कर रही हैं, बट मैं बजाज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहा होता हूँ मेरी इस क्लास में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इनहेलर यूज कर रहे हैं. सो दिस इज अ बिग वेरी बिग अलार्मिंग सिचुएशन के दमा जो है वो बढ़ गया, अस्थमा जो है वो बढ़ गया, सांस की बीमारियां बहुत बढ़ गई. इसका मतलब है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं. पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए. लाहौर और कराची आर अमंग द वर्ल्ड मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज. सो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और तकरीबन अभी मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट जो कल पढ़ी थी, 135,000 लोग मर रहे हैं हर साल एयर पोल्यूशन से. सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग बिग अलार्मिंग सिचुएशन के 1,00,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में डेथ हो रही है उनकी. तो हमें इसको देखना है. और इसमें अगेन मैं एक बात करूँगा कि हो या रहा है कि सर ने जितना कहा कि एवोल्यूशन है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जरासीम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. वो लाइफ बॉय का टीवी पे एक मर्शल आता है ना कि क्या बात है कि अब साबन जो है वो काम करना छोड़ गए, तो वो कहता नहीं साबन काम करना नहीं छोड़ गए, कीटाणु जो है वो मजबूत हो गए, वो ज़्यादा कीटाणु जो है वो ज़्यादा सख्त हो गए हैं. तो मसला ये है कि जरासीम जो है जर्म्स आर मोर इवॉल्व, दे आर मोर कैपेबल, और उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है. हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं. और बहरहाल लास्ट पॉइंट जो है जिस पर मैं आऊँगा वो है प्रिवेंशन पे. हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस दिस पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो आपको माशा सबको पता है आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन बिलियन ट्रीज फॉर नामी. दिस इज़ वन ऑफ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम इसको देखें. सो आपने देखा होगा नहर के ऊपर अगर आप आ रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, हर जगह पर लिखा हुआ है कि एवरी वन प्लांट वन. सो एक बंदा हर बंदा पौधा लगाए. सो एक तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि प्लांट मोर ट्रीज. हम एज एनवायरमेंटलिस्ट भी प्रमोट करते हैं कि एवरी वन यू शुड प्लांट अ ट्री. हर बंदे को जिंदगी में पौधे लगाने चाहिए, कम से कम एक पौधा तो लाजमी लगाना चाहिए ना, क्या कि आने वाले नस्लों के लिए हवा साफ हो सके और बेहतर हो सके. कुछ और बातें जो मैं शेयर करूँगा, हमारा ट्रेडिशनल जो विजडम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप गौर करें ये पुराने ज़माने में जितने भी घर हैं देहातों में चले जाएँ तो वहाँ पर सब पे फर्श होते थे, और फर्शों पर झाड़ू होता था या फर्शों पर डाकी होती थी. हमने जब से कारपेट बिछाए, और कारपेट के ऊपर या तो वैक्यूम होता है या झाड़ू होता है, और कारपेट पे अगर झाड़ू हो तो मट्टी उठती है. ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी बिग सोर्स. इनडोर पोल्यूशन है एयर की, और हम लोग अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं बिकॉज कारपेट पर जो मट्टी पड़ी होती है अगर तो वो वैक्यूम से यू आप सक कर रहे हैं जैसे स्पाइन, बट अगर आप झाड़ू देते हैं वहाँ पे तो वो इनहेल करते हैं. सो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है. मतलब मैं थोड़ी सी लोकल रेमेडी से बात करता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह पुराने ज़माने में पोछा लगा लिया, टाकी लगा ली आपने, वो चीज़ें दोबारा से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं. या फूल झाड़ू होता है, आपको पता होगा कि कुछ लोकल रेमेडीज की बात कर रहा हूँ मैं. सो हम ये इंगेज करें ताकि हम अपने आपको एयर पोल्यूशन से बचा सकें. कुछ मैंने स्टेप्स बताए आपको, पौधे लगाएं और घर को साफ रखें, बिकॉज जितना आप साफ रखेंगे अपने घर को अपने सराउंडिंग को वो आपके लिए भी फायदेमंद है और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा. कोल पावर प्लांट लग रहे हैं, दुनिया में ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान में कोल पावर प्लांट लग रहा है, तो ये भी एक इलाविक सिचुएशन है. पता होना चाहिए कि पोल्यूशन अगेन बिग सोर्स है, और हम इसको अगर री रोकेंगे तो हमें ये चीज़ें देखनी है. कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं जो गवर्नमेंट के लेवल के हैं, अब उसको आप कुछ नहीं ले सकते. ऑरेंज लाइन, लाहौर ऑरेंज लाइन पर बात करूँगा मैं. अगेन आपके लिए बन रही थी, स्टूडेंट्स के लिए बन रही थी, मेट्रो बस स्टूडेंट्स के लिए बन रही थी, बट डिले होना उसमें और पूरे लाहौर को खोद देना, और उसके बाद वो मट्टी का पूरे लाहौर में फिरना और स्मोक का बनना. और स्मोक पे मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा कि जो लाहौर स्मोक थी उसमें एक तो रीज़न ये भी थी कि उन दिनों आपकी पूरी लाहौर की सड़कें खुदी हुई थी और वो मट्टी मौजूद थी. अब आगे देखें तो स्मोक थोड़ी सी कम है. इसमें फसलों का भी रोल है, जो फसलों काट दी जाती हैं और धुआं आता है उसका भी, दैट इज़ अ बिग सोर्स. बट एक उसकी सोर्स वो भी थी जो ख़त्म हो गई है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है. मैं रिलेट करूँगा कि अब कभी भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंटरनेशनली भी स्टैंडर्ड होता है कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके साथ मिटिगेशन मेजर्स बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस तरह सड़कें खोद के रखते हैं और आंधी चले हवा चले तो वो सब कुछ खराब हो जाता है. इसी तरह घर में अगर आप ये जो हम करते हैं नॉर्मली, जब भी झाड़ू दें या कोई भी सफाई करें, मट्टी को शॉपों में बंद करें और फेंकें, उसे खुले मत रखें. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीमेंट के साइड पर रख रहे हैं और हवा दोबारा आएगी ना तो दोबारा आपके ऊपर आ जाएगी, हवा में आ जाएगी, मूव हो जाएगा एयर में. वन सिक्स इन द एयर एक्सीन लंग्स.
आपके लंग्स में आएगा, आपके घुटनों के लिए नुकसान दे है, और फिर बीमारियां जो हैं बहुत सी है वो बढ़ सकती हैं। तो बहरहाल एट द एंड एक दो बातें मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के हैं तो हम वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं प्लांटेशन पे। मेरा यहाँ से वादा है आपसे, बल्कि आपकी फ्यूचर से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो मैंने बात की है कि पौधे लगाए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। सो अगर आप लोग चाहेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आई कैन गेट यू इन टच, और आपको 500,000 पौधा फ्री मिल जाएगा। दैट इज आई एम कमिटिंग एट द मोमेंट कि मेरी आपसे कमिटमेंट है 1000 पौधा आपके लिए। तो आप लोग जब भी करना चाहें आप मुझे बताइएगा, तमाम फैकल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को एक ही दो पौधे मिलेंगे, वो घर जाएं और पौधे लगाएं और तब्दीली में अपना जो है वो किरदार प्ले करें, बिकॉज तब्दीली कहने से ही आपकी गवर्नमेंट से आती है। अगेन एक मैं शेयर करूँगा बात, और उसके बाद फिर इकबाल का शेयर, और उसके इख्तिताम करूँगा मैं कि यूनिटी का प्रोफेसर डॉक्टर सलीम साहब वो एक बहुत सी बात करते थे, इट्स एन इंग्लिश कोर्स, आई विल बी यूजिंग द सेम वर्ड्स। ही यूज्ड टू से माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट हैविंग एन आईफोन इन माय लेफ्ट हैंड, लिविंग इन अ 10-acre हाउस और ड्राइविंग अ BMW। माय डियर स्टूडेंट्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज व्हेन यू आर एबल टू ब्रीद इन क्लीन एंड फ्रेश एयर, व्हेन यू आर एबल टू ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर, and when you are able to give clean and fresh environment to your future generation. और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, जिस तरह उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो टीवी पे बात करेंगे और फोकस करेंगे, तो मैं भी इसी पे फोकस करता हूँ। बाल ने कहा था ना कि अमर जिंदगी बनती है जन्नत भी नूरी, यहाँ की अपनी फितरत में नूरी है ना, ये तो अमल करना बहुत ज़रूरी है। सो आज से आप लोग तहैया करें, प्रॉमिस करें, मैंने आपको बता दिया पौधे मेरे तरफ से पौधे लगाने आपने, सो आज से आप प्रॉमिस करें हर बच्चा कम से कम एक पौधा तो लाजमी लगे, सो अमल करना स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, आइंदाबाद, थैंक यू।